번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 बस वाले यहाँ आते हैं और यहाँ पे हमें बोलते हैं एथू और चले जाते हैं। 15 नंबर 11 नंबर वाले बस वाले बोल के जा रहे हैं चमो हे चमो 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 हेलो गाइज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग और अभी रात की 10 बज रही है और इस टाइम व्लॉग बनाना बहुत जरूरी था क्योंकि कुछ ऐसा पता चला ना बहुत खतरनाक चीज पता चली है। अभी सबसे पहले बता दूं आज 27 तारीख है, आज अजय भाई का एग्जाम था और ये एग्जाम देके आ गया और मैं 2 दिन से व्लॉग नहीं बना रहा क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है। तबीयत खराब तो नहीं हो रही लेकिन वही है ना, कुछ अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा और आपको तो यू नो। तो अब बताता हूँ क्या हुआ और क्या रीजन है अब व्लॉग बनाने का, इस टाइम लाइव आने का। हाँ तो बात ऐसी है, मैंने अभी इंस्टा पे किसी की स्टोरी देखी, ठीक है, और कुछ ऐसा देखा कि अजय का तो मूड ऑफ हो गया एकदम। कौन सी लेक थी भाई वो? सागर लेक कहाँ पे? अपने जयपुर में ही है। इतनी शानदार और प्यारी जगह थी ना, मतलब थी क्या अभी भी है, हमने तो देखी है, इतनी प्यारी जगह, मुझे पता ही नहीं कि जयपुर में इतनी प्यारी जगह भी है क्या। और अजय अभी मेरे को बोला ये मेरे को घुमाने ले जाता है, राजा भाई तेरे को घुमा के लेके आऊं, घूमने चलेंगे हाइपर सिटी हाइपर लेके जाता है और उन सीढ़ियों पे ऊपर नीचे वाली सीढ़ियों पे घुमाता है और वापस घर ले आता है, घुमाइए। अभी मेरे 2-3 है ना लात मारे हैं इसने। अरे मुझे खुद को ही नहीं पता कि इतनी प्यारी जगह है जयपुर में, जयपुर ही नहीं देखा भाई सच में यार। और एक वो चीज, हाँ ये बनेंगे व्लॉगर, इन्हें नहीं पता जयपुर में क्या हाँ, है क्या मुझ... कहाँ घूमने की जगह है, ये बनेंगे बड़े व्लॉगर। वही तो यार बस... ये करेंगे वर्ल्ड टूर, देखो इनकी सर्कल देखो। और इंस्टाग्राम पे वो पिछला व्लॉग देखा होगा आपने, पिछले से पिछला वो कौन सा था, आईफोन वाला, ठीक है। अब इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी लगाई आईफोन से, मतलब फोटो खींच ली, स्टोरी लगा दी, ठीक है। लोग मुझे बोल रहे हैं कांग्रेचुलेशन। अब मेरा व्लॉग तो देखा नहीं उन्होंने, तो उनको क्या पता कि वो मेरा नहीं, वो मेरे दोस्त का है हर्ष भाई का, तो वो कांग्रेस में भी हाँ ठीक है मेरा ही। अरे जो मतलब बात नहीं करते थे ना वो लोग मैसेज भेज रहे हैं मेरे को, क्या बात है। और जो मेरे जैसे है वो तो सच बता तू ही लाया ना, ये नहीं हो सकता, पक्का तू नहीं लाया, हट ऐसे कर रहा है। और हाँ, और भाभी जी का फोन आया मेरे पास में। इसकी इतनी गंदी बेइज्जती, बता रहा हूँ भाभी जी का फोन आया, नहीं पहले तो मैसेज पे आपका, मैं हाँ बोली खाओ मेरी कसम, मेरा ही है, बोली कितने का, मैंने 1.5 लाख का फोन आया हैंड टू हैंड। मैं हाँ भाभी जी, बोली कब लाया कौन सा मॉडल, मैंने कहा 13 Pro Max भाभी जी बस अभी खरीद लिया मैंने। तो भाभी बोलती है कल आना आप घर पे आना और मेरे को दिखा के जाना। इतने में भैया के पीछे से आवाज आती है कि अरे नहीं वो इसका दोस्त का व्लॉग नहीं देखा क्या? तो भाभी पूछी कि दोस्त का है, मैंने कहा हाँ ओके। टू बाद में इसको ब्लॉक मार दिया। मैं वाह यार देखो ऐसा हो रहा है, देखो तो कोई ना, तो आप सुबह मिलते हैं यार, बस यही बताना था, बहुत जरूरी था। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह की 10 बज रही हैं और सुबह इतनी खतरनाक ठंड में अजय के साथ आया हूँ RTO लाइसेंस बनवाने। पापा पीछे पड़ गए कि अजय आया हुआ है, इसके साथ जा लाइसेंस बनवा के आ। आज मेरे को 6 महीने हो गए होंगे पापा पीछे पड़े हुए कि लाइसेंस बनवा, बैंक में अपना अकाउंट खुला और फाइनली पैन कार्ड बनवा, तो फाइनली आज बन जाएंगी चीजें मुझे लग रहा है क्योंकि अजय आया है, जिम्मेदार बच्चा, समझदार बच्चा। और मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे को खुलवाना क्यों है लाइसेंस, मेरे पास ना गाड़ी है, ना मेरे पास बाइक है, ना मेरे काम आती है, तो किस बात की खुलाऊं और क्यों बनवाऊं, और बैंक में अकाउंट है पैसे ही नहीं है, क्या करूंगा अकाउंट बनवा के? जब जेब में पैसे नहीं है तो बैंक अकाउंट में कहां से आएगी? वही तो, जब जेब में ही नहीं है। लेकिन नहीं, पापा को तो बस खुलवाने हैं, लाइसेंस बनवाना है, तो सुबह सुबह भेज दिया। और यहाँ का सीन कुछ ऐसा है, इधर लगते हैं वो जो भी बनवाना होता है उनसे, और ये रहा वो जहाँ पे गाड़ी चलवाएंगे और उधर ऑफिस है। तो सुबह की 10 बज रही हैं और अभी ये सरकार के जवाई उठे ही नहीं, तो इसलिए बोलते हैं सरकारी नौकरी वाला आराम से आओ, धीरे धीरे सो सो के
तो सरकारी दफ्तर वाले तो अभी तक आए नहीं, तो हम सोच रहे हैं कि वो पीछे पहाड़ है ना उस साइड जाके आते हैं। तो हमारे पास थार, बुलेट या फिर फॉर्च्यूनर तो है नहीं जो हम ऑफ रोडिंग करें, तो हम इधर ही रुक चुके हैं और इधर का नजारा कुछ ऐसा है। तो अभी हम आए हैं भूतेश्वर मंदिर, पहले हम उस साइड गए थे और यहाँ देखो कितनी प्यारी मूर्ति है। तो काफी अच्छा लगा यहाँ आके। यहाँ पे देख लो गणेश जी का मंदिर है, दुर्गा माता का है, राम सीता का और शिव जी का, हनुमान जी का, मतलब काफी मेरे को तो हमेशा अच्छा लगता है मंदिर आके। और अजय मेरे भाई कैसे है तू, कैसा है मेरे भाई, कैसा है तू? नहीं काटेगा, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त होती तू है ना, मेरा दोस्त होती तू। बस बस बस। तो अभी ये कुछ दिया है और ये अंदर जमा कराना है और फोटो खिंचानी है बस। तो फोटो तो खिंचा के आ गया, अब ये गाड़ी चलानी है बस। तो गाड़ी भी चला के दिखा दी और बाइक भी चला के दिखा दी, अब 4-5 दिन में लाइसेंस आ जाएगा। और एक अंदर की बात बताऊं, नाम डुबो दिया इसने, अभी भी पैर दूज रहे, बहुत खतरनाक पैर दूजे भाई, क्या बताऊं, मतलब हालत खराब हो गई मेरी। तो अंदर की बात बताना मत किसी को। और अब जा रहे हैं बैंक में, वहाँ पे खाता खुलाएंगे और फिर सीधा घर पे। तो अकाउंट भी खुलवा दिया बैंक में, और ICICI बैंक में खुलाया क्योंकि उसमें 0 रुपए रख सकते हैं, SBI में 3,000 रखने पड़ते हैं। और आज उषा का भी पेपर है, कल अजय का था, आज उषा का किस चीज का है, ग्राम सेवक का। और मम्मी उधर रोटी बना रही क्योंकि अभी अजय जाएगा अपने गाँव। और अजय का बस किराया नहीं लगेगा क्योंकि अजय अपना एडमिट कार्ड दिखा देगा, आया भी ये दिखा के था, जा रहा भी ये दिखा के है। और तो 1 घंटे से ज्यादा हो गया हमें वेट करते हुए बस का, बस वाले रोक ही नहीं रहे, फुल भरी आ रही है, रोक ही नहीं रहे। और अब देख रहे हैं एक बस का और ही वेट कर रहे हैं, अगर वो नहीं आई तो घर पे जाएंगे, कुकू खरीद लेंगे फिर। हाँ वो बताना भूल गया, बस वाले यहाँ आते हैं और यहाँ पे हमें बोलते हैं एथू और चले जाते हैं। भाग दोनो, दोनो। लेट जा अजय, लेट जा, लेट जा, लेट जा, रोक दे यार, रोक दे। 15 नंबर 11 नंबर वाले बस वाले बोल के जा रहे हैं चमो, हे चमो चमो चमो। फाइनली बस मिल गई और अब मैं भी घर पे जाता हूँ, पूरे 2 घंटे बाद। तो घर पे आके सबसे पहले तो मुंह धोया क्योंकि वहाँ पे कम से कम 25 किलोमीटर चिपक गई होगी मुंह पे, 2 घंटे खड़ा रहा, बस वाले रोक ही नहीं रहे। जिस बस में हमें फ्री में जाना था ना अजय को, वो थी रोडवेज, तो रोडवेज वाले नहीं रोक रहे थे और प्राइवेट वाले तो रोक ही रोक रहे थे कि सर चलोगे, आगे से पूछ रहे थे चलोगे चलोगे चलोगे। और इतने रिजेक्शन खाए हैं ना आज, इतने तो मैंने लड़की से नहीं खाए, इतने रिजेक्शन जैसे मैंने बस से खाए हैं, रोक रहे रोक ही नहीं रहे। ये तो वो बात हो गई, हमें जिस लड़की से बात करनी है ना वो तो भाव ही नहीं दे रही, और जो लड़की भाव दे रही है उससे हमें बात नहीं करनी, लेकिन हमने हार नहीं मानी, हम बस करनी है तो उसी से बात करनी है। तो फाइनली बस मिल गई, तो इससे आप क्या शिक्षा मिली आपको इससे, हाँ वही। आते वक्त है ना मेरे पास फोन आया जियो मार्ट से कि आपके लिए कुछ है पार्सल, तो मैंने कहा मेरे पार्सल तो हमने नहीं किया, मैंने अजय को फोन किया, अजय ने भी नहीं किया, फिर मैंने कहा ऑनलाइन पेमेंट दिया हुआ है क्या, बोले हाँ पेमेंट दिया हुआ है। तो ये 2 चॉकलेट आई है जो मैं खोल के दिखाता हूँ, तो ये देखो 2 चॉकलेट आई है, और किसने भेजी होंगी मम्मी, किसने भेजी होंगी, है ना, मैं सोच रहा हूँ, है ना, वही ना, है ना। तो 4-5 दिन हो गए,
मम्मी से बात ही नहीं हुई मेरी है। मम्मी से मतलब थोड़ी कम ही बातचीत हो रही है, तो अभी मम्मी से बात करते हैं। तो ऊपर वाले रूम में आया हूँ रजाई लेने के लिए, सोऊंगा नहीं यहाँ पे। यहाँ अजय के बिना है ना ये रूम मेरे को खाने लगता है ऐसे, उसकी याद आती है और थोड़ा सा मैं फिर तो रजाई लेके नीचे जाऊंगा। और ये वाली दवाई देखी गया मेरे को फेस के लगाने की आती है, देख लो मतलब 450 रुपए की। मैंने तो मना भी किया था, मैंने कहा ठीक है यार काय का फेस का, तो बोला ध्यान रखा कर ये वो, अभी तेरे को जरूरत है, वो खुशखबरी आपको पता चल जाएगी थोड़े दिनों में। वीडियो बना रहा तो अभी हम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, मम्मी मैं थोड़ा प्रोजेक्ट मिला है हमें बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से, तो वीडियो बन गया और वीडियो कुछ प्यार मोहब्बत का कुछ था। तो अभी मम्मी ने मेरे से कुछ पूछा, क्या पूछा बोलो बोलो बोल दो, अरे अपना ही परिवार है बोल दो। बोल दियो, मम्मी बोल रही है कि तेरी वाइफ आ जाएगी तब भी तू मुझे इतना ही प्यार करेगा क्या? मैं यार मम्मी हमेशा हमेशा आप पहले हो ठीक है, वो बाद में। तो चॉकलेट आई थी वो अभी हम सारे घर वाले मिलके खा रहे हैं, और कुछ ऐसी है देखो डार्क चॉकलेट खा के मजा सा आ गया। और करते हैं इसी बात पे ब्लॉग को इधर ही समाप्त, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय। कभी इधर से आते हैं तो कभी इधर से आते हैं, तो हमें इधर भागना पड़ता है फिर इधर भागना पड़ता है, बीच में सही ना हो जाए हम स्ट्रगल करते करते।